शीला जी नहीं रहीं। अभी मैं रास्ते में था, मैं जा रहा था, आज हम लोगों की बहुत सारे कार्यक्रम रखे हुए थे दिल्ली में सदस्यता अभियान के, सार्वजनिक कार्यक्रम, और मैं ITO तक पहुंचा था। तब तक मुझे समाचार आया और मैंने तुरंत पार्टी को बात किया। पार्टी ने डिसाइड किया सारे कार्यक्रम हम लोग उसको स्थगित कर देते हैं। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सूचना दी। शीला जी का ऐसे जाना बिल्कुल अचंभित करने वाला है। मैं तो उनके अभी मिलके आया था और मुझे सब याद आ रहा है कैसे वो बच्चे की तरह मेरा स्वागत की थी। चुनाव भी लड़े हम लोग, तो मैंने उनके अंदर एक माँ भी देखा। दिल्ली बहुत मिस करेगी शीला जी को, और शीला जी दिल्ली और देश की राजनीति में अच्छे तौर पे याद करी जाएंगी। राजनेता के जीवन में प्लस माइनस लगा रहता है, लेकिन शीला दीक्षित जी एक सम्मानित नाम है राजनीति का, और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि उनके सभी चाहने वालों को, परिवार के लोगों को, सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। मैं विपक्ष का लीडर हूँ, फिर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनको चूंकि मेरा थोड़ा सा उनसे अलग इंटरेक्शन हुआ, मैं राजनीति में आने के पहले भी उनको मिला था। एक बार तो मैं उनके साथ प्रचार भी किया था जब मैं राजनीति में नहीं था, और एक दिन मुझे उनके सामने चुनाव भी लड़ना पड़ा, बट उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। कोई ऐसे इस राजनीति में जहां नफरत की भारी बयार चल रही है।